हाय, मेरा नाम देवरीना है एंड लाइक मैं तमिल में प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, तो ये मेरा हिंदी में फर्स्ट मूवी है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, बहुत एक्साइटेड हूँ. फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, रंगराज ऑन लोकेशन शूट्स स्टार्ट किया गया, किस तरह का किरदार निभा रही है इस बारे में? किरदार तो बहुत ही सिंपल रखा गया है. जो मूवी के बारे में है इस लाइक अपर अजीत, आप लोग ने देखा होगा वहाँ पर जैसा स्क्रीन प्ले था, जैसा स्टोरी था कि लाइक डबल नेचर का कुछ स्टोरी था, तो सेम थिंग यहाँ पे आप लोग देख पाओगे. पोस्टर में काफ़ी थ्रिलर टाइप का दिखाया जा रहा है, तो इस तरह कहानी भी इस तरह का ही है. हाँ, काइंड ऑफ थ्रिलर ड्रामा है. हाँ जी, स्टोरी में से क्या खास लगा जो इस फिल्म से आप जुड़े? स्टोरी में लाइक मैं बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड किरदार प्ले कर पाऊँगी, दैट्स व्हाई. फिल्म की बात करें तो किस तरह से आपको फिल्म मिली? फिल्म मिली लाइक मैं ऑडिशन के लिए गई थी, तो डायरेक्टर से सिलेक्टेड में कैसे. ओवरऑल पूरी टीम की बात कीजिए तो क्या कहना चाहेंगे? पूरे टीम में सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत हार्ड वर्किंग है, तो बस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल सर से बात कर रहा है. हाँ जी, इकबाल सर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही प्रोफेशनल है, हर चीज़ सही तरीके से गाइड करते हैं, तो हाँ जी. जी, ये जो एक्टर है, आम आदमी है जो कैरेक्टर है इसमें, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है. जैसे कि जनता से या लोगों से जो नेता हैं, पुलिस वाले हैं और भी जो ऑफिसर ग्रेड के लोग रहते हैं, उनसे बहुत परेशान रहता है. तो एक बार ऐसा इसके साथ हादसा होता है, ये फंस जाता है पुलिस वालों के चक्कर में. ये सोचता है कि मैं अकेले इस तरह से लड़ नहीं पाऊँगा. फिर उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति या ऐसा दिमाग में प्लान बनाता है, वो अपने कैरेक्टर को हमेशा चेंज कर देता है. सबके सामने नहीं रहता है, लेकिन वो अपना काम कर देता है. मतलब जो भ्रष्टाचार है या किसी भी तरह का अपराध है, उससे कैसे लड़ना है ये सोचता है. और यही फिल्म है. पोस्टर में हमने देखा कई बड़े चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसा डीलिंग रहेगा आपको, उसके बारे में बताइए. सब बड़े लोग हैं, सीखने को मिलेगा, अच्छा है. और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बढ़िया डायरेक्टर है. फिल्म को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको किस तरह का किरदार है आपका इसमें, जिस तरह का किरदार है, कितनी मेहनत की है आपने इस किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए? जी, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और अच्छा होगा बस. आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर और इसके अलावा कुछ हो तो? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं, आई एम डूइंग एप्स, मैथ्स करती रह रही हूँ, तो हाँ जी. कैसी केमिस्ट्री रहने वाली है, कितना एंजॉय करने वाले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगी. हाँ जी, फिंगर क्रॉस्ड. ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? वो तो मूवी जब आउटपुट निकलेगा तो सब देख पाएंगे, इंशाल्लाह सब सही हो, अच्छे से आप सबको पसंद आए. ऑन स्क्रीन अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं है, जब होगा देखा जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग शेयरिंग नहीं है. लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ है? लोकेशन तो मुंबई में है, फिलहाल तो मुंबई है लोकेशन. हाँ जी, आपने कुछ प्लानिंग किया है रोमांस कैसे करने वाले हैं? अब ये सर जितना करा सकते हैं एक बार सर, उनके ऊपर निर्भर करता है. एक्चुअली थ्रिलर ड्रामा है, रोमांटिक तो आई गेस थोड़ा नहीं होगा, थ्रिलर ड्रामा है, तो मेन थिंग स्टंट्स वगैरह में ज़्यादा फोकस किया जाएगा आई गेस.